आर यू विलिंग टू रिलोकेट, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते, ये बहुत सारे कंपनीज क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपका इसको आप इस क्वेश्चन का मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। मेरा नाम है अभिनव, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपको इंग्लिश एकेडमी चैनल में। आर यू विलिंग टू रिलोकेट मतलब आप रिलोकेट, अगर जैसे अभी पुणे में आपका इंटरव्यू चल रहा है, पुणे में हमको जॉब मिल गया, अगर आपको हमने बेंगलोर भेजा, चेन्नई भेजा, कहीं और भेजा या आउट ऑफ इंडिया भेजा, तो आर यू ओके विथ दैट? रिलोकेशन का मीनिंग ऐसा होता है। तो इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो आपको हाँ ही बोलना है, क्योंकि फ्रेशर, आप फ्रेशर हो, इसका मतलब आप, आपकी शादी नहीं हुई, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है नहीं है, आपकी कुछ ऐसे एज सच फैमिली नहीं है, तो आप अकेले रहते हो। मोस्टली बैचलर्स दे आर ओके विथ रिलोकेशन, ठीक है? तो और एज अ फ्रेशर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि फ्रेशर आपका फर्स्ट जॉब है, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। तो यस सर, आई एम अ क्वाइट फ्लेक्सिबल पर्सन, आई एम ओके विथ रिलोकेशन, यू कैन सेंड मी एनी वेयर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ इंडिया एज वेल। तो अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, अगर आप मैरिड हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, सब फिक्स्ड है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे रिलोकेशन सही नहीं है, मुझे पुणे में ही रहना है, अगर आप पुणे में रहते हो, आपका पूरा फैमिली सेट है और आपका पहले से ही ऐसा आपने माइंड बना रखा है, आपने माइंड सेट किया है कि नहीं मुझे पुणे में ही रहना है, पुणे में ही जॉब करना है, कंपनी अगर कहीं भेज रही है तो मैं कंपनी को छोड़ दूंगा, मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, अगर आपका इतना क्लियर है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि आपको दूसरा जॉब मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं सॉरी सर, आई हैव अ फैमिली एंड आई कैन नॉट, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय फैमिली, सो आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर लास्ट 20 ईयर्स एंड नाउ आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर एल्स। सो आप ये आंसर दे सकते हो। तो एक में आपने बोला फ्रेशर हो तो आप हाँ बोला, अगर आपको फैमिली डिस्टर्ब नहीं करना है तो आपने ना बोला, बट मेक श्योर दैट आप ना बोल रहे हो तो कंपनी से निकालने के भी चांसेस है, तो मेक श्योर दैट यू हैव अनदर ऑप्शन इन योर हैंड, ठीक है? और मैं एक बीच वाला भी आंसर आपको देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भी नहीं और ना भी नहीं। जैसे मैं बोलूँगा सर आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंपनी एंड इफ दैट इन्वॉल्व्स रिलोकेशन आई विल कंसिडर इट। देखो मैंने क्या बोला, सर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नहीं नहीं अगर उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुझे अगर आप कहीं भेज रहे हो तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। आपने हाँ भी नहीं बोला, आपने ना भी नहीं बोला, अगर आप जाओगे तो उसको एक आप कंडीशन लगा रहे हो कि मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम काम आपको जाके बेंगलोर में करना है, तो वाई शुड आई गो देयर? हाँ, बट अगेन अगर आपने मना कर दिया, आपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, तो वो बोल सकते कि नहीं हाँ आपको भेजना ही, आपको जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको जाना है नहीं जाना है वो आपके ऊपर है, आपको बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर है तो आप बोल सकते हो नहीं सर मुझे आई डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटीज़ बाय गोइंग देयर, सो आई डोंट वांट टू गो देयर। तो अगेन यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो जाओ, ठीक है? अगर मान लो एक नई टेक्नोलॉजीज़ पे आपको काम करने के लिए मिल रहा है या आपको आपको प्रमोशन मिल रहा है तो गो, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो आपको सैलरी भी वहाँ की करेंसी के हिसाब से आप ज़्यादा कमाओगे। इफ़ यू आर ओके विद दैट, इफ़ योर फैमिली इज ओके विद दैट, यू कैन गो। सो इसका आंसर क्या देना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है? आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, ये इसके ऊपर होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो शेयर करना मत भूलो और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।